हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीरज भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था विंड सिस्टम के बारे में। वी हैड जस्ट स्टार्टेड आवर टॉपिक एंड देयर वी वेयर लर्निंग फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी एंड टॉपिक वाज विंड सिस्टम। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विंड सिस्टम्स वी नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विंड सिस्टम्स। वन इज परमानेंट winds. Now, how many types of permanent winds are? Very detailed video I have given to you people. I hope that you have gone through that, learned that. Please write in the comment box let me frame a question, that which is a wind which blows from southwest to northeast direction. Southwest to northeast direction means which permanent wind is there which blows from southwest to northeast direction, and it could be from northern hemisphere or the southern hemisphere. Find it out and write in the comment box. All right. So permanent winds. And thereafter we had talked about periodic winds, but I have simply mentioned, and third one is there, and that is the local wind. So dear friends, today we are going to talk about the periodic wind system. Now, here you see that which wind system is called a periodic wind system. While talking about the features and the properties of permanent wind, we learned that permanent winds are those one which keep blowing in the same direction throughout the year. Means, वो एक ही direction में लगातार सालों भर बहती रहती है. फाइन, और अगर एक ही डायरेक्शन में लगातार वो सालों भर बहती रह रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो लोकेशन है वो लोकेशन भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड होगा अब इसका क्या मतलब? तो देयर यू सी दैट व्हेन वी से दैट इट इज इक्वेटर, इट इज 30-35 डिग्री, it is 60-65 degree, and it is 90 degree north. It is north. Then in this case we are saying that in northern hemisphere these are certain pressure belts. Fine, you just recall कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि एक एयर which is simply a mixture of gas, how does it become a wind? Fine, how air becomes a wind? So answer simply comes from that when the air starts blowing, it is called wind. But why wind will blow? Suppose if I have a glass of water, that glass of water is like a static thing. But when that glass of water comes into motion, means the water comes into motion, so that moving water is called river if it has good volume. तो सिंपली इफ एयर इज देयर, अगर हवा है तो जब वो बहेगी तभी तो उसको हम विंड बोलेंगे. तो सवाल ये था कि वो विंड ब्लो ही क्यों करेगी, बिकॉज उस पर भी तो लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई होगा. तो वो विंड तब ब्लो करती है व्हेन इट कम्स अंडर और इफ इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट. मीन्स कि व्हेन देयर इज समवेयर हाई प्रेशर एंड समवेयर लो प्रेशर. अब इसमें अगर हम देखें तो देयर वी नो दैट ऑन द इक्वेटर देयर इज परमानेंट लो प्रेशर, ऑन 30-35 देयर इज परमानेंट हाई प्रेशर, 60-65 डिग्री परमानेंट लो प्रेशर, एंड देन हेयर इट इज परमानेंट हाई प्रेशर. अब आप देखिए, अब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर ऐसा बनता ही क्यों है, क्यों ये यहीं पर होता है, ये आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा. फाइन, तो अब आप देखिए, लो प्रेशर हाई प्रेशर. तो इन दिस केस इफ दिस आर द परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स, हेयर दीज आर परमानेंट विंड प्रेशर बेल्ट्स, तो विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर इनटू दिस डायरेक्शन
throughout the ear. And from here to here into this direction. And thereafter from here to here into this direction. और कल मैंने आपको बताया था, this is called trade wind. This is called westerly wind. And this is called polar wind. Fine. And let us conclude here that these are called the permanent winds. Permanent winds. Done. I hope it is clear to everyone. Now, अब ये तो परमानेंट विंड हो गए. तो परमानेंट का विंड का जो फीचर देखा वो हमने ये देखा है कि इट हैज परमानेंट डायरेक्शन एंड परमानेंट लोकेशन. नाउ देन द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज पीरियोडिक विंड. तो वेरी सिंपल आंसर और द आर्गुमेंट दैट वी कैन टेक, पेरियोडिक. पेरियोडिक मीन्स लिटरल मीनिंग ऑफ द पेरियोडिक देयर वुड बी दैट सपोज इफ इट इज अ पेंडुलम. आई होप दैट क्लास 9th में 10th में आपने पढ़ा होगा कि अगर मान ले कि ये पेंडुलम है तो ये पेंडुलम यहां सेंटर से एक बार यहां पे मूव करता है और इस सेंटर से एक बार ये यहां पे मूव करता है. फाइन. तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक बार इस तरफ से इस तरफ होगी और दूसरी बार इस तरफ से इस तरफ होगी. और ये जो चेंज इन डायरेक्शन है दैट इज ऑन 180 डिग्री. सिमिलरली ये पेंडुलम यहां सेंटर में था, सेंटर से ये इस तरफ गया और यहां से ये इस तरफ आया और फिर ये इस तरह से मूव करता रहेगा. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरियोडिक मोशन. और यही जब चीज जब विंड पे अप्लाई हो जाए कि एक विंड एक बार तो इस तरह से चलती है और उसके बाद से इस तरह से, तो इसी तरह के विंड को हम बोलते हैं पेरियोडिक विंड. आई होप इट इज क्लियर. लेकिन फिर यहां पर वही क्वेश्चन मार्क ये कि अगर ये विंड है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये विंड ऐसा मूव करना क्यों शुरू करेगी. Why a wind will start changing its direction from one side and other side? Then obviously, ये सारा का सारा खेल किस बात पर डिपेंड करेगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जब ये विंड इस तरफ से यहाँ जा रही है तो यहाँ पर और यहाँ पर एक प्रेशर ग्रेडियंट है और उसके बाद से एक यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट है. ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है यहाँ पर, जब ये विंड यहाँ से यहाँ जा रही है तो यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, और जब ये यहाँ से यहाँ आ रही है तो यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर. आई होप इट इज क्लियर. फाइन. कि जब ये प्रेशर यहां से यहां का हाई टू लो है तब ये विंड यहां से यहां मूव कर रही है, और जब ये यहां से यहां का इस तरफ आएगा तब ये यहां से यहां पे मूव कर रही. अब सवाल ये उठता है कि ऐसा ये हाई और लो का चेंज ही क्यों होगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर है टेम्परेचर की वजह से. कि मान लेते हैं कि यहां पर टेम्परेचर और यहां पर टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर और यहां पर टेम्परेचर चेंज होता है. अब जरा सा देखिए कि जब प्रेशर यहां पे हाई है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रेशर यहां पे हाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर यहां पे लो होगा. लो टेम्परेचर होगा और प्रेशर हाई होगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज इन ओपन
एटमॉस्फेरिक सिस्टम नियर द सरफेस. नियर द सरफेस. ऑलराइट. तो अब ये जो प्रोसेस है ओपन एटमॉस्फेरिक सिस्टम में नियर द सरफेस. तो यहां पर अगर मान लीजिए कि आपके पास जो टेम्परेचर है, सॉरी जो प्रेशर है वो हाई है, तो यहां पर टेम्परेचर लो होगा. और यहां पे अगर लो प्रेशर है तो यहां पर टेम्परेचर हाई होगा. ऑलराइट. और यहां पर फिर से टेम्परेचर यहां पे, अगर प्रेशर लो है यहां पे तो टेम्परेचर हाई होगा, और यहां पे टेम्परेचर लो होगा. तो जब टेम्परेचर में चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज आएगा विंड के डायरेक्शन में चेंज आएगा. ऑलराइट. तो अगर इसको हम ऐसे लिखें कि चेंज इन टेम्परेचर changes pressure gradient and change in pressure gradient changes wind direction. आई होप इट इज क्लियर. चेंज इन टेम्परेचर हियर चेंजेस प्रेशर एंड चेंज इन द प्रेशर चेंजेस प्रेशर ग्रेडियंट एंड दैट लीड्स टू द चेंज इन द विंड डायरेक्शन. तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो पूरा का पूरा जो प्रेशर ग्रेडियंट जो चेंज हुआ यहां, इसने चेंज किया इसको, फाइन इसने चेंज किया इसको, और फिर इसने चेंज किया इसको, और इसने चेंज किया इसको, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो डायरेक्शन है ये रिवर्स कर गया, या यहां से कह सकते हैं कि ये रिवर्स कर गया. तो अब ये ही चेंज क्यों हो रहा है, टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहा है? तो एक बहुत ही सिंपल सा आंसर मैं आपको दे दूं कि अगर ये बहुत ही छोटे पैमाने पर हो रहा है ना, छोटे पैमाने का मतलब है ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटे से रीजन में अगर ये हो रहा है तो ये डिफरेंस तो डे और नाइट में भी हो सकता है. कि जब हम यहां पे लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये लो टेम्परेचर क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये लो टेम्परेचर क्या आएगा, लो टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ द नाइट, फाइन, और ये हाई टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ डे. और यहां पे हाई टेम्परेचर इज देयर, दैट इज बिकॉज ऑफ नाइट, सॉरी बिकॉज ऑफ डे एंड हेयर बिकॉज ऑफ नाइट. अब फिर से आप इसी डायग्राम को देखिए कि दिन के टाइम पे, सॉरी रात के टाइम पे, व्हेन डे इज देयर, अगर सब मान लेते हैं कि दिस इज अ प्लेस एंड से द नेम ऑफ द प्लेस इज एक्स, नेम ऑफ द प्लेस इज एक्स, तो दिन के टाइम पे विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, दिन के टाइम पे ब्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई. क्यों? क्योंकि यहां पर उस वक्त में टेम्परेचर कम है. टेम्परेचर कम क्यों है? बिकॉज रात है, तो विंड ब्लो फ्रॉम This place x to y. उसके बाद से वहां पे रात हो जाती है, अब वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो विंड विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो देखिए, सिंपल एक डे और नाइट का फैक्टर विल क्रिएट अ विंड सिस्टम, एंड दैट इज कॉल्ड पेरियोडिक विंड सिस्टम. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स.
अब देखिए, जब आपने कहा कि पेरियोडिक विंड सिस्टम है, तो इस पेरियोडिक विंड सिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल ऑफ द पेरियोडिक विंड सिस्टम इज लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज, एंड मॉनसून। लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज एंड मॉनसून। अब मॉनसून, मॉनसून इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सल ऑफ द विंड। Reversal in the wind direction after 6 months. अब ये एक बड़ा फेनोमेना है जिसके बारे में हम लेटर ऑन जानेंगे। माउंटेन एंड वैली ब्रीज इज देयर एंड देयर चेंज इन द डायरेक्शन इज Rather say reversal in the wind direction after 12 hours. This is the mountain breeze. Land breeze and sea breeze, it is also reversal after 12 hours. तो ये दोनों के दोनों में जो रिवर्सल होता है ये 12 hours के बाद होता है। Alright, now अब इसमें what is land breeze and sea breeze? हम पहले यहां से शुरू करते हैं। Land breeze and sea breeze. This is ocean. And this is landmass. All right. So by applying this, we will be talking about the land breeze and the sea breeze. Now, we know that there is sun overhead. Here it is sun. And the sun rays during daytime, what will happen? That the sun rays will start falling on this and on this. All right. Now there we know that these waves come as short wave radiation.
short wave radiation, fine, and this is called insolation. But we know that this insolation is first, this atmosphere behaves like a transparent medium. This atmosphere behaves like a transparent medium. It does not absorb the radiation as it is, except certain things. Certain things like we know that there is a good presence of ozone layer. That ozone layer absorbs ultraviolet radiation, a part of insulation. Thereafter, there is a presence of water vapor in the atmosphere, and that absorbs the other part of solar radiation. Fine. Otherwise, rest of the radiation reaches on the surface. And when this surface absorbs it, so there you see, it is said that land mass is heated up. It is said that this land mass is heated up very fast, and in comparison to the ocean. Here it is heated up very fast in comparison to the ocean, whereas the water body remains cold. So here it is, it remains cold and it becomes warm. And during daytime. But why does it happen? देखने की बात है कि ये तो वार्म हो गया और ये कोल्ड हो गया, और क्यों हो गया? क्योंकि अभी डे टाइम चल रहा है एंड द सन इज ओवरहेड. तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो देयर यू सी, अ वेरी सिंपल आंसर इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंड मास, देन लैंड मास इज ओपेक. ओपेक मीन्स व्हाट? इट it does not allow solar radiation to pass through. Hai na? The other meaning of the opaque, you can see it is non-transparent. On the contrary, here, just let us make it number A. So here, oceans are, ocean part or the water is transparent. Thus, sunlight, sun rays enter deep into water. How much depth? So at least up to 200 meters. All right. So here, if the thinness or the thickness of the surface is less, thus thickness of surface which has to be heated up is less. All right. Thus heat per unit area is high, whereas here volume of water is more, and thus heat per unit area is high. तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अब इसकी जो हीटिंग होगी वो ज्यादा हो जाएगी. हीटिंग विल बी मोर.
हीटिंग इज लेस. इस बात को दिमाग में रखिएगा कि हेयर हीटिंग इज लेस और जबकि वे देयर हीटिंग विल बी मोर. हीटिंग इज मोर. अब देखिए, अब ये इसका ए पॉइंट है. नाउ बी पॉइंट इज देयर दैट दैट इज वेरी मच लिंक्ड विद दिस कि व्हेन दिस इंसुलेशन इज एंटरिंग हेयर तो इट इज ट्रांसपेरेंट एंड द मीडियम इज चेंज. हेयर इट इज द एयर मीडियम एंड हेयर इट इज वाटर एंड वी नो दैट व्हेन द सन रेज एंटर इनटू द डिफरेंट मीडियम तो बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस व्हाट हैपेंस इट रिफ्रैक्ट्स. ऑलराइट, नाउ दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन नाउ यू कैन सी द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड. तो वंस अगेन वी रीच हेयर, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, हीट पर यूनिट एरिया इज ये मिस्टेक हो गई थी, हीट पर यूनिट एरिया इज लेस. तो बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग इज ऑल्सो लेस. सेकेंडली देयर वी सी दैट द रिफ्रैक्शन इज देयर तो बिकॉज ऑफ दैट रिफ्रैक्शन वॉट विल हैपन, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इज ऑल्सो high and if distance from the source of heat is high, difference from the source of heat is high, so that way there would be the loss of heat also. जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक गर्म चीज है और उसके पास हम खड़े हैं तो हमें ज्यादा गर्मी लगती है ना. जैसे विंटर्स के टाइम पर अगर हमने वहां पे कोई आग जला रखी है, बोन फायर बना रखा है, तो जब हम उसके पास खड़े रहेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पे हमें ज्यादा हीट लगेगा. लेकिन जैसे जैसे उसके हम दूर जाएंगे तो दूर जाने से जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाएगा. तो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज ऑल्सो हाई एंड दैट इज वाई हीट लॉस इज देयर. लॉस इज देयर, ऑलराइट. और ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी है. तो अब इसकी वजह से अब ये हुआ आपके पास फैक्टर नंबर बी. जबकि यहां पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, नो रिफ्रैक्शन लॉस. नो रिफ्रैक्शन लॉस, दो बातें हो गई. अब देखिए, जब ये बात आई और जब ये बात आई तो अब क्या होता है कि जब हीट आ जाएगा यहां पे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वॉटर मॉलिक्यूल्स आर वोलेटाइल. वोलेटाइल मीन्स द मोमेंट दे विल एब्सॉर्ब द हीट दे विल स्टार्ट मूविंग. द मोमेंट दे विल एब्सॉर्ब द हीट दे विल स्टार्ट मूविंग. क्या मतलब कि जो ही आपने पानी को गर्म करना शुरू किया तो जब ही उसका जो फर्स्ट मॉलिक्यूल हीट अप होगा तो वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देगा. जैसे आपने देखा होगा कि जब आप चाय बनाते हैं तो आपने पैन में वाटर को रखा, जब पानी जब गर्म होना शुरू करता है तो छोटे छोटे से बबल्स जैसे नीचे नीचे बन जाते हैं और उसके बाद से पानी लगातार ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है. तो ये मूव करने का मतलब क्या है कि अब वो हीट एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएगा. और जो ही हीट एक जगह से दूसरी जगह पर और खासकर डिफरेंट डिस्टेंस पर अगर जाएगी तो हीट का लॉस तो हो जाएगा ना. जबकि देयर इज नो सच लॉस ऑफ हीट इन द लैंड मास. ठीक ना, तो ये हुआ फैक्टर नंबर सी और यहां पे कोई ऐसा लॉस नहीं हो रहा है. अब इसका जो इफेक्ट आएगा, और साथ में मैं आपको बता दूं कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 2.5 टाइम्स greater than the land or solid. यानी कि एक अमाउंट, सर्टन अमाउंट ऑफ हीट, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो सर्टन अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू हीट अप अ सॉलिड मास
उससे 2.5 टाइम्स ज्यादा हीट की जरूरत होती है अगर हमें एक वॉल्यूम ऑफ वाटर को गर्म करना हो, ठीक ना। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से यहां पर पूरे वाले एरिया में ये सरफेस रिलेटिवली कोल्ड रह जाएगा और ये सरफेस रिलेटिवली वार्म हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एयर विल स्टार्ट ब्लोइंग, एयर विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर and then it will come back this way, and this is called sea breeze. Sea breeze, land breeze and sea breeze का ये हुआ sea breeze. तो दिन के टाइम पर जो हवा है वो सी से लैंड की तरफ चलती है और इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। ऑलराइट, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है ना कि ये चीज तो हमेशा रहेगी नहीं, शाम भी होगी, और जब शाम होगी तो रात भी होगी, और जब रात होगी तो यही जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये चेंज कर जाएगा, क्योंकि अब दिन डे लॉन्ग हीटिंग की वजह से जो समुद्र का पार्ट है दैट इज नाउ वार्म, और जो सॉलिड मास है वो तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि आपने कढ़ाई गर्म की है और वो तो कढ़ाई अगर आप छोड़ दीजिए, बर्नर आप ऑफ कर दीजिए गैस का, तो फिर वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है, जबकि उसके कंपैरिजन में अगर एक लीटर पानी भी आपने उबाला हुआ है तो वो पानी धीरे धीरे ठंडा होगा। तो समुद्र में या पानी का फीचर होता है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि जो लैंड मास है सॉलिड है वो जल्दी से गर्म होगा और जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। तो अब दिन के टाइम पर दिस लैंड मास इज नाउ हीटेड अप, लैंड मास इज हीटेड अप एंड सॉरी लैंड मास इज कोल्ड नाउ एंड दिस ओशन इज हीटेड अप। तो इन दैट केस डिफरेंट टाइप ऑफ विंड सिस्टम विल जनरेट। और ये दिन का टाइम है, दिन का टाइम है तो ऑब्वियस सी बात, सॉरी रात का टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे क्या होगा, दिस इज मून नाइट। तो एट नाइट व्हाट विल हैपन, नाउ द नाउ हेयर हेयर एंड हेयर वंस अगेन प्रेशर डिफरेंस विल बी, एंड दिस डिफरेंस इज that now the oceans have the low pressure and land has high pressure, then obviously wind will start blowing this way. This way. And this is called land breeze, land breeze. अब आप देखिए कि ये जो land breeze and sea breeze है, तो क्यों इसको हमने बोला कि periodic? तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे जो direction है वो इस तरफ से है, sea to land है, और यहां जो डायरेक्शन है वो कैसे है, लैंड टू सी है, एंड दैट इज व्हाई लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीजेस आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक विंड सिस्टम। अब ये जो होता है ये तो सारे के सारे कोस्टल एरिया में आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे मुंबई है, कोच्चि, चेन्नई, कोलकाता, सारे के सारे रीजन में आपको मिलेगा। अब आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है? फाइन, आपने कोई एक इंपॉर्टेंस इसके कमेंट बॉक्स में बताना है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ योर आंसर इज करेक्ट देन डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट।
हमारे इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आप हमारे इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करेंगे, एंड प्लेजर विल बी ऑल माइन एंड ऑफ आवर टीम इफ यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस.